मीडियम साइज के आलू लिए हैं, इनको अच्छे से काट लिया है, धोके साफ करके छिल के। और साथ ही मैंने लिए है 150 ग्राम गवारफली, 2 हरी मिर्च लिए बारीक कटी हुई, 1 नींबू, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर, 8-10 लहसुन की कलियां इनको बारीक काट लिया है। मसालों में हमने लिया हल्दी पाउडर, नमक, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हमने गैस ऑन करके एक कढ़ाई ले ली है और उसमें ले लिया 2 चम्मच ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तभी हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा। जीरा थोड़ा सा तड़क जाए तभी हम इसमें डाल देंगे लहसुन की कलियां। और इन्हें हमें ज्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि हमें इसे आलू भी फ्राई करने हैं। तो अभी हम इसमें डाल देंगे ये आलू। तो 1 से 1.5 मिनट के लिए हमने गवारफली और आलू को तेल के अंदर फ्राई कर लिया। इसमें डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च, इसको भी मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे सूखे मसाले। आप चाहे तो इसमें मसालों का घोल बना के भी ऐड कर सकते हैं, इससे भी सब्जी टेस्टी बनती है। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, मिर्ची ले लेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग, या मैं 1 छोटा चम्मच और थोड़ी सी और ले लूं। 1 भर के धनिया पाउडर, साथ में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लेंगे 1/2 छोटा चम्मच। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब्जी के अंदर। ये सब्जी आप सूखी भी बना सकते हैं या पानी वाली भी बना सकते हैं, जैसी आपको पसंद हो वैसी रख सकते हैं इसको। सारे मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। अभी हम इसे ढक के 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ढक्कन हटा के हम सब्जी को चेक कर लेते हैं। एक बार हमने बीच में और चेक कर लिया था सब्जी को, और देख सकते हैं सब्जी काफी पक चुकी है। इस तरह से आप चेक कर ले आलू और गवारफली। ये देखिए आलू भी सॉफ्ट हो गए हैं और गवारफली है जो ये भी सॉफ्ट हो गई है। इस तरह से ये देखिए अच्छे से पक गए हैं। तो इसमें हम डाल देंगे कटे हुए टमाटर, इनको भी मिक्स कर लेते हैं। अभी टमाटर डालने के बाद हम इसको 1 मिनट के लिए और पका लेंगे ताकि टमाटर थोड़े और सॉफ्ट हो जाए। तो टमाटर डालने के बाद हमने 1 मिनट और पका लिया है और बस ये सब्जी बनके तैयार है। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे 1 नींबू। नींबू हमेशा लास्ट में ऐड करें क्योंकि नींबू में खटाई होती है, तो खटाई की वजह से सब्जी है जो पकती नहीं है। तो ये ध्यान रखिए नींबू को हमेशा सब्जी के अंदर लास्ट में ऐड करें, इससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। और साथ ही हम डाल देते हैं थोड़े से ये धनिए। तो बस ये हमारी एकदम मजेदार चटपटी सी सब्जी बन के तैयार है। तो गैस की फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसको सर्व कर लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स तैयार है ये हमारी एकदम चटपटी मसालेदार आलू और गवारफली की सब्जी। इसको बनाना बहुत आसान है, झटपट से बन जाती है। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।